हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स स्टार्ट स्टडी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि छोटे बच्चे को वाई फॉर यार्न, वाई फॉर याक इस तरह से बनाना किस तरह सिखाएंगे। वाई, ठीक है, तो वाई कैपिटल वाई लेटर बनाना कैसे सिखाएंगे हम बच्चे को। जो इंग्लिश की नोटबुक होती है फोर लाइन की होती है, जो फर्स्ट रेड कलर की लाइन होती है वो होती है कैपिटल लाइन, उसके बाद जो सेकंड लाइन होती है ब्लैक कलर में वो होती है वेस्ट लाइन, जो थर्ड लाइन होती है ब्लैक कलर में ही वो होती है बेस लाइन, उसके बाद जो फोर्थ लाइन होती है रेड कलर की वो होती है टेल लाइन। ठीक है, तो किस तरह से सिखाएंगे, कैपिटल लाइन पर टू डॉट लगाने हैं हमें और एक बेस लाइन उसके ऊपर भी एक डॉट लगाना है। ठीक है, तो बच्चे को सिखाएंगे, देखिए इस डॉट को इस डॉट से मिलाते हुए एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है। ठीक है, इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, और इस डॉट को यहाँ मिड में हमें मिलवाना है बच्चे से। ठीक है, ये भी स्लैंटिंग लाइन है लेकिन छोटी, वाई फोर याक। ठीक है, एक बड़ी स्लैंटिंग लाइन और एक छोटी स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से लेटर बन जाएगा वाई फोर याक, वाई फोर यान। ठीक है, तो देखिए वाई फोर यान यानी धागा होता है ना, ऊन होती है, वाई फोर यान। तो किस तरह सिखाएंगे बच्चे को, तो वाई लेटर सिखाने के लिए हम उसे एक या दो लाइन हम उसको ट्रेसिंग के लिए दे सकते हैं। ठीक है, बच्चा ट्रेस कर लेगा, उसके बाद देखिएगा कैपिटल लाइन पर हमने दो डॉट दी थी और बेस लाइन पे एक सिंगल डॉट थी। ठीक है, तो देखिए स्लांटिंग लाइन, उसके बाद एक छोटी स्लांटिंग लाइन। ठीक है, इस तरह से लेटर बन जाएगा वाई फोर यान। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप डॉट लगा के देंगे तो बच्चा जल्दी भी बनाना सीख लेगा और सुंदर भी लिखेगा। ठीक है, देखिए एक बड़ी स्लांटिंग लाइन, उसके बाद एक छोटी स्लांटिंग लाइन, एक बड़ी स्लांटिंग लाइन, एक छोटी स्लांटिंग लाइन। ठीक है, देखिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।